नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी हूँ ठीक। और आज चार दिन हो गया इंटरनेट बंद हुए हमारे पास, जीना मुश्किल हो गया है, हालत ख़राब है, परिवार से बिछड़ गए हैं, दोस्तों से दूर हो गए हैं, किसी से बात नहीं हो रहा है, सारे YouTube फैमिली से दूर हो गए हैं, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। परसों गए थे अम्बाला, और जाके वहाँ अम्बाला में नेट चालू है। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि तुम यार बोलते हो कि अम्बाला में रहते हैं और अब बोल रहे हो पंजाब में इंटरनेट बंद है तो तुमको दिक्कत हो रहा है। तो होता ऐसा है कि देखिए, जब जहाँ भी आप रहते हैं तो आसपास के बड़े शहर का ही नाम बताते हैं कि यहाँ हम रहते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ तो कोई पूछेगा तुम कहाँ से हो, तो मैं पटना का नाम बताता हूँ, अपना ज़िले का नाम बताता हूँ, आरा का नाम बताता हूँ। बट आरा से मेरा घर 35 किलोमीटर दूर है, पटना से 70 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे ही मैं अम्बाला बताता हूँ, लेकिन मैं अम्बाला से रहता हूँ 20-25 किलोमीटर दूर, अम्बाला कैंट से 25 किलोमीटर दूर रहता हूँ। अब इसी बीच में बॉर्डर है हरियाणा पंजाब का, तो अम्बाला पड़ जाता है हरियाणा में और मैं रहता हूँ पंजाब में, समस्या यहाँ आ रहा है। तो नेट बंद है पंजाब में, अब मैं अम्बाला जाऊँगा तो वहाँ नेट चालू है, लेकिन रूम पे रहूँगा तो बंद है। तो आज फिर हम लोग जा रहे हैं अम्बाला आपसे जुड़ने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, क्योंकि हम काफ़ी लोग के लाइव में जाते हैं, भले 2 मिनट जाते हैं, थोड़ा हालचाल हो जाता है, अच्छा लगता है। अब किसी के लाइव में नहीं जा रहे हैं, काफ़ी बोर हो रहे हैं। और अब आपको बताएं, इस चार दिन के नेट ना मतलब नेट बंद होने की वजह से क्या क्या मैं देखा कि मेरे मोबाइल में फ़ोटो बहुत है, 50% डिलीट कर दिया चुन चुन के, क्योंकि टाइम बहुत था अपने पास, और नंबर बहुत सारा सेव था जिसको सालों से याद नहीं किए थे। तो कुछ नंबर ऐसा सेव किए थे जिनसे अब कोई मतलब नहीं है, तो उनका नंबर डिलीट कर दिए, और कुछ थे जिन्हें याद करना चाहिए तो उनको याद कर लिए मतलब नेट बंद है तो ऐसा लग रहा है कुछ काम ही नहीं यार, बहुत टाइम है, क्या करें तो आज फिर हम जा रहे हैं, अभी तो अपने रूम पे ही हैं, लेकिन अब निकल रहे हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और मन नहीं लग रहा, तो जा रहे हैं अम्बाला। वहाँ मंडी जाएंगे, जिसे हम लोग का जो सब्जी मंडी है वो अम्बाला का ही मंडी है, तो वो हरियाणा में पड़ जाता है, तो वहाँ नेट चालू है, तो थोड़ा अपना काम भी हो जाएगा, सब्जी ले लेंगे। हालांकि सब्जी तो एक बहाना है, इंटरनेट चलाना है तो सब्जी भी ले लेंगे और अपना काम भी हो जाएगा, आपसे जुड़ लेंगे, आपके लिए थोड़ा संदेश डाल देंगे, ये वीडियो पोस्ट कर देंगे, कुछ लोगों से बात कर लेंगे, कुछ लोग के लाइव में जाएंगे, कुछ लोग के वीडियो पे कमेंट मार देंगे, और ये मेरा वीडियो देख के उनको मेरा प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। तो बस अब निकल रहे हैं और चल रहे हैं, आप भी देखिए अम्बाला के मंडी, जहाँ से मेरा इंटरनेट चलेगा, मोबाइल चलेगा, ये वीडियो अपलोड होगा तो आप देखेंगे, तो चलते हैं। और दोस्तों देखिए, मैं झोला छाप डॉक्टर भी हूँ, आयुष्मान के हाथ का पट्टी चेंज कर रहा हूँ, ये सब व्यवस्था मेरे पास रहता है, ये डिटॉल है, ये रुई है, इसमें पट्टी है, और ये है दवाई, इमरजेंसी में सब व्यवस्था रखते हैं तो अब आयुष्मान का पट्टी चेंज कर देते हैं, आयुष्मान के इसका सुमंत का, चलते हैं। Thank you.
तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ इंटरनेट चल रहा है, और काफ़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, चोर रास्ता से पहुँचे हैं। मेन रोड से जाना मना है, 44 लगा हुआ है। तो ये है सुमंत और हमारे विनोद भैया, नरेंद्र मोदी जी। विनोद भैया ही रास्ता बताए हैं कि कैसे कैसे चलना है, कैसे कैसे चलना है। नरेंद्र मोदी जी के हम भक्त हैं, अमित शाह के, जो भी के। और दिल्ली से जम्मू जो मेन लाइन है, दिल्ली से जम्मू कटरा जो लाइन जाता है वो यही लाइन है। और दिल्ली से मतलब कटरा पाकिस्तान तक यही लाइन जाता है। इसी के बगल में हम लोग हैं, काफ़ी मुश्किल भरी रास्तों से यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है। अब यहाँ पे कर देते हैं हम इस वीडियो को अपलोड, आ दो चार अपने भाई बहन से लाइव में जुड़ते हैं, उनसे दो चार बात करते हैं। समय की कमी है, हम भी ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, ज़्यादा बातें भी नहीं कर सकते, पर कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकें, क्योंकि हमें काफ़ी बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था इंटरनेट के दुनिया से दूर होके। इसीलिए मैं ये जोखिम उठाया हूँ और यहाँ तक आया हूँ। और आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि काफ़ी मेहनत से जो है वीडियो बनता है, तो वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।